तो 1000 ईयर ऑफ क्यूआई रिफाइन के इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को एक एल्डर को दिखाया जाता है जो कि सुयान को यहाँ पर बोल रहा था। हम लोगों के सेक्ट में आज से 10,000 साल पहले एक बहुत ही बड़ी आपदा आई थी जिससे बचने के लिए जितने भी इमोर्टल्स थे वो सभी लोग लोअर वर्ल्ड में जाकर छुप गए हैं क्योंकि वो लोग अपनी जान को बचाना चाहते थे। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि अब भी इस जगह पर इमोर्टल होंगे। ये एल्डर ये सब बोल ही रहा होता है लेकिन तभी सुयान रुक जाता है क्योंकि इन लोगों के सामने एक बहुत ही बड़ा पैलेस आ गया होता है जिसके अंदर में ये सभी लोग चले जाते। इसके बाद हम लोगों को इस पैलेस के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक मार्केट होता है, सभी लोग शराब पी रहे होते हैं। लेकिन तभी सुयान इस मार्केट के अंदर में आ जाता है जिसे देखने के बाद सभी लोग एकदम बिल्कुल शांत हो जाते हैं। इस चीज को देखने के बाद डीमन किंग बोलता है, यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो सभी लोग इतने ज्यादा चुपचाप क्यों हैं? डीमन किंग के यह बोलने की ही देरी थी तभी यहाँ पर इस मार्केट में जितने भी लोग होते हैं वो सभी लोग बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं। उन लोगों को अपनी आंखों के ऊपर भरोसा नहीं हो रहा था कि इतने दिनों के इंतजार के बाद फाइनली इस पैलेस के अंदर में कोई आ गया है और वो सभी लोग सुयान के पास जाकर पूछने लगते हैं कि बाहर की दुनिया अब कैसी है और तुम लोग क्या अब दोबारा से बाहर की ओर जा सकते हो और तुम लोग यहाँ पर हम लोगों को प्लीज बताओ कि बाहर की दुनिया में क्या क्या हो रहा है, क्या बाहर की दुनिया में शराब मिल रहा है। इस बात को सुनने के बाद निंग्यू बोलती है, काफी समय हो गया है जिसकी वजह से इन लोगों ने कभी भी किसी दूसरे आदमी को नहीं देखा है इसीलिए ये लोग इतने ज्यादा खुश लग रहे हैं। निंग्यू ये सब अपने मन में सोच ही रही होती है लेकिन तभी ये एल्डर यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं उन सभी लोगों को बताने लगता है कि हम लोग तुम लोगों को चाहकर भी जगह से बाहर नहीं ले जा सकते हैं। जिसे सुनने के बाद ये लोग बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और ये लोग एल्डर को बोलने लगते हैं कि तुम यहाँ पर कैसी कैसी बातें कर रहे हो और अगर तुम चाहते तो हम लोगों को पहले ही इस जगह से बाहर ले जा सकते थे लेकिन तुमने यहाँ पर ऐसा क्यों नहीं किया और क्या तुम्हें पता है कि हम लोग कितने दिनों से इस जगह के अंदर में कैद हैं जिसकी वजह से हम लोगों को कितनी ज्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, क्या तुम्हें पता है? ये लोग ये सब बोलकर इस एल्डर को यहाँ पर डराने लगते हैं। लेकिन तभी हम लोगों को एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल एल्डर को दिखाया जाता है जो कि इस जगह पर आ जाता है और जो होली सेक्ट का लीडर होता है और इसका नाम जियो ताइयू होता है जो कि सुयान और उनके साथियों का यहाँ पर स्वागत करता है और वो बोलता है मैंने बहुत लंबे टाइम से इमोर्टल लोगों को नहीं देखा है और साथ यहाँ पर जितने भी लोग हैं इन लोगों ने भी बहुत टाइम से इमोर्टल लोगों को नहीं देखा है जिसकी वजह से सभी लोग यहाँ पर इतने ज्यादा एक्साइटेड हो गए हैं और क्या आप मेरे साथ चल सकते हैं। इस बात को सुनने के बाद सुयान भी कुछ देर तक अपने मन में कुछ सोचने लगता है लेकिन वह कुछ सोचने के बाद में इस एल्डर के साथ चलने के लिए राजी हो जाता है। लेकिन इन सब चीजों को दूर से लड़की भी देख रही होती है और वह भी इन लोगों की भीड़ में शामिल होने के लिए चली जाती है। इसके बाद हम लोगों को कुछ देर बाद का टाइम दिखाया जाता है जहाँ पर ये एल्डर इन सभी लोगों को लेकर अपने पैलेस में आ गया होता है और इन सभी लोगों को आराम करने के लिए बोल देता है। लेकिन तभी यह छोटा लड़का वाइन की बोतल के पास चला जाता है और वो वाइन को पीने लगता है। लेकिन तभी यह एल्डर इन लोगों को बोलता है मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा अच्छी चाय बनाने जा रहा हूँ जिसकी वजह से आप लोगों की जितनी भी थकान है वो सभी रिकवर हो जाएगी और साथ ही मैं यहाँ पर आप लोगों से कुछ सवाल को पूछना चाहता हूँ, क्या आप लोग मुझे उसके उत्तर देंगे? इस पर डीमन किंग बोलता है तुम यहाँ पर पूछ सकते हो। इस पर ये एल्डर इन लोगों को बताने लगता है 7 चैनल के बैरियर को बहुत ही लंबे टाइम से किसी ने भी डिस्ट्रॉय नहीं किया था लेकिन आप लोग बहुत ही आसानी के साथ में इस चीज को डिस्ट्रॉय करके अंदर की ओर कैसे आ गए? इस पर डीमन किंग बोलता है हम लोग भी गलती से इस जगह पर अंदर की ओर आ गए थे। लेकिन तभी निंग्यू बात को टालते हुए बोलती है हम लोगों को भी अब पता नहीं है कि हम लोग इस जगह से बाहर कैसे निकलेंगे लेकिन मुझे इतना पता है कि अगर हम लोगों ने एक साथ मिलकर बाहर जाने के रास्ते को ढूंढने का प्रयास किया तो हम लोगों को यहाँ पर बाहर जाने का रास्ता मिल जाएगा। इस बात को सुनकर ये एल्डर भी खुश हो जाता है और वो बोलता है मैं भी तुम लोगों का साथ देने के लिए तैयार हूँ लेकिन पहले तुम लोग कुछ देर तक इस जगह पर आराम कर लो, तब तक मैं अपने साथियों को इस बात की जानकारी देकर आता हूँ। लेकिन वह जाने से पहले इस छोटे लड़के और इस मॉन्स्टर को बहुत ही अजीब नजरों से देख कर जाता है। इसके बाद डीमन किंग सुयान को बोलता है मुझे तो इस जगह पर कोई भी गड़बड़ नहीं लग रही है, क्या हम लोगों को कुछ देर तक इस जगह पर रुक जाना चाहिए? इस पर सुयान चाय को नीचे रख देता है जिससे हम लोगों को पता चलता है कि सुयान ने चाय को नहीं पिया होता है। लेकिन यह सीन यहीं पर कट होता है। हम लोगों को रात का टाइम दिखाया जाता है जहाँ पर यह लड़की इस जगह पर आते हुए बोलती है सच में वो लड़की बहुत ही ज्यादा सुंदर थी और मैं उस लड़की के बारे में और भी बहुत कुछ जानना चाहती हूँ क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी और जैसे ही मुझे मौका मिलेगा मैं उसे जान से मार डालूंगी। लेकिन तभी यहाँ पर कुछ हलचल होने लगती है और एक एनर्जी इस लड़की को बताने लगती है क्या तुमने उस लड़की के बगल में डीमन किंग को नहीं देखा था जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और साथ ही यहाँ पर तुम जिस लड़की को मारने के बारे में सोच रही हो उसके पीछे कोई बहुत ही ज्यादा पावरफुल इंसान का हाथ है इसलिए तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम इस जगह से चली जाओ। लेकिन यह लड़की इस बात को मानने से मना कर देती है और वो बोलती है मैं उसे मार कर जाऊंगी। लेकिन तभी इस लड़की की बॉडी में कुछ हलचल होने लगती है जिसकी वजह से उसे बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होने लगती है और यह डिमोनिक पावर इस लड़की के ऊपर हावी होने की कोशिश करने लगती है जिसकी वजह से इस लड़की को बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा होता है और वो जमीन के ऊपर गिर जाती है। लेकिन तभी सुयान और उसके साथी भी इन सब चीजों को देख लेते हैं और डीमन किंग बोल
बोलता है, मैंने तो तुम लोगों को पहले ही बोला था कि इस लड़की में जरूरी कुछ गड़बड़ है। और इस बात को वो यह लड़की भी सुन रही होती है, जिसकी वजह से वो पहले तो थोड़ी दूर जाती है, लेकिन उसे जैसे ही मौका मिलता है वो सुयान और उसके साथियों के ऊपर हमला करने के लिए जाने लगती है। लेकिन सुयान उसे अपने ग्रेविटी प्रेशर में जकड़ लेता है और साथ ही सुयान यहाँ पर एक मंत्र को पढ़ने लगता है, जिसे सुनने के बाद डीमन किंग बोलता है, तुम यहाँ पर ये क्या कर रहे हो। लेकिन तभी यहाँ पर एक चेन आ जाती है जो किस लड़की को कैद कर लेती है, और इसके पीछे पीछे ये एल्डर भी यहाँ पर आ जाता है और वो सुयान से माफी मांगने लगता है कि मैं आप लोगों को यहाँ पर परेशान करना नहीं चाहता था, क्योंकि हम लोगों के सेक्ट में बहुत दिनों से इमोर्टल नहीं आए थे, जिसकी वजह से यह लड़की थोड़ी सी एक्साइटेड हो गई थी, और साथ ही इस लड़की ने जो कोई भी गलती की है इस चीज के लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ। इस पर सुयान बोलता है, मैंने यहाँ पर आपको माफ कर दिया है। इसके बाद हम लोगों को रात का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ पर इस लड़की को इस एल्डर ने कैद कर रखा होता है, और ये लड़की बोल रही होती है, तुम लोग यहाँ से मुझे जाने दो, मैं पिछली बार से ऐसी गलती कभी भी नहीं करूंगी। लेकिन यह एल्डर बोलता है, तुमने बहुत ही ज्यादा बड़ी गलती की है, जिसकी वजह से हम लोगों के प्लान के बारे में सुयान को पता चल सकता था, इसलिए तुम्हें तो यहाँ पर सजा दिया जाएगा। और वो ये बोलकर इस लड़की को टॉर्चर करने लगता है। लेकिन तभी यह एल्डर आगे की ओर आते हुए बोलता है, सेक्ट मास्टर, आप उन लोगों को फंसाने के लिए इतना ज्यादा इंतजार क्यों कर रहे हैं? आप चाहें तो सीधे तौर पर भी इन लोगों को जान से मार सकते हैं। इस पर सेक्ट मास्टर बोलता है, फिलहाल के लिए अभी सुयान के साथ ही जो कुछ भी कर रहे हैं उन लोगों को करने दो, लेकिन जैसे ही हम लोगों को मौका मिलेगा हम लोग उन लोगों के साथ जो चाहें कर सकते हैं। इस बात को सुनकर ये एल्डर बोलता है, सच में सेक्ट मास्टर, आप बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान हो। इस पर सेक्ट मास्टर यहाँ पर हंसते हुए बोलता है, सेवन चैनल से जो बच्चा और वो डिमन आया है, उन लोगों की खुशबू सच में बहुत ही ज्यादा मनमोहक है और मुझे उन लोगों को खाने का मन कर रहा है, और साथ ही मुझे लगता है कि इमोर्टल का एक समूह हम लोगों के सेक्ट के अंदर में आ सकता है, तो हम लोगों को 8 चैनल और 9 चैनल के ऊपर भी नजर रखनी होगी। इस पर ये एल्डर बोलता है, सेक्ट मास्टर, सच में आप बहुत ही ज्यादा पावरफुल और एक बुद्धिमान व्यक्ति है। इस बात को सुनने के बाद सेक्ट मास्टर यहाँ पर अपने सभी साथियों को बोलता है, तुम लोग इस लड़की को यहाँ पर खा सकते हो। जिसे सुनने के बाद ये सभी लोग इस लड़की को खाने के लिए जाने लगते हैं, लेकिन ये लड़की अपनी जान को बचाने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन वो इस चीज में नाकाम हो जाती है, जिसकी वजह से ये लोग बहुत ही बेरहमी के साथ में उसे मारकर यहाँ पर खा जाते हैं। इसके बाद हम लोगों को कुछ देर बाद का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ पर इस एल्डर को कुछ होने लगता है, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज्यादा अजीबोगरीब हरकतें करने लगता है, और वो बोलता है, मेरी वाइफ, तुम अभी भी जिंदा हो, और ये बोलकर यहाँ पर हंसने लगता है। लेकिन इसी के साथ हम लोगों का ये एपिसोड हो जाता है खत्म। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।